बेल्कन बीच से हमारा ट्रैकिंग शुरू हो चुका। पैराडाइज बीच पैराडाइज की तरह ही है। हेलो टू ऑल यू लवली पीपल आउट देयर, आशीष हियर, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी जर्नी शेयर करने वाला हूँ जो हमने फेब 2022 में किया था। ये वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज उसका जो स्टोरी है मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस व्लॉग में बताया है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा प्लीज़ देख लीजिए, और आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। बात करते हैं हमारी आज की जर्नी के बारे में। आज के वीडियो में आप देखेंगे हमने कैसे बीच ट्रैक करके गोकर्णा का जो बीचेस है वो एक्सप्लोर किया था, और प्लस गोकर्णा टाउन का जो टेम्पल्स है वो भी एक्सप्लोर किया है। तो इन ऑल ये वीडियो जो है तीन पार्ट्स में आपको मिल जाएगा देखने को, बिकॉज अगर मैं कम्प्लीटली एक पार्ट कंपाइल करके डाल दूंगा, तीन पार्ट्स को एक में कंपाइल करके डाल दूंगा, तो ऐसा हो जाएगा कि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्री की तरह। तो इट्स बेटर है कि मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके आपको दिखाऊँ सो दैट आप भी एन्जॉय करें। एक्चुअल में हम गोकर्णा गए थे दिसंबर में भी, लेकिन तभी हमने चूज़ किया याना केव्स और विभूति वाटरफॉल देखने का, बिकॉज तभी हमारे पास बाइक्स था। तो हमने सोचा कि उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं और बाइक्स को लेकर जाते हैं विभूति और विभूति वाटरफॉल और याना केव्स में। बट अभी हमने क्या किया, हमारे पास छुट्टी भी कम थी, तो दैट्स वाई हम गए थे ट्रेन से। और ट्रेन से जाने के बाद वहाँ पर हमने पूरा जो कोकर्णा का बीच ट्रैक है 4 घंटे का वो कम्प्लीट किया। अगर आप प्लान कर रहे हो गोकर्णा बीच ट्रैकिंग करने का, तो ट्रैक तो वैसे इजी है बट बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, बिकॉज ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे लग जाते हैं पूरा जो बीचेस कवर करने में। और जो गोकर्णा का क्लाइमेट है वो बहुत हॉट है, तो मोस्टली आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। तो जब भी आप अगर प्लान कर रहे हो ट्रैक पे जाने का, कोई भी ट्रैक पे, आप अपने साथ वाटर कैरी कीजिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन का जो खतरा है वो नहीं रहेगा। कंटिन्यूस वाटर पानी पीते रहिए, हर आधे घंटे में 15 मिनट में थोड़ा थोड़ा सिप पानी पीते रहिए, ताकि आपके बॉडी को जो है नेसेसरी फ्लूइड मिलते रहे और आप भी चलते रहे। तो हमने जो है हम रुके थे हरिप्रिया रेसिडेंसी में, जो गोकर्णा बस स्टैंड के पास में है टाउन में कम्प्लीटली। तो वहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट करने के लिए ऑटो लिया जो हमें बेल्कन बीच के यहाँ पे छोड़ा। बेल्कन या बेल्कन बीच नाम है। तो बेल्कन बीच जो है आपके ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो बेल्कन बीच से आप जाते हैं पैराडाइज बीच, पैराडाइज बीच से आप हाफ मून बीच जाते हैं, हाफ मून बीच से ओम बीच जाते हैं, और ओम बीच से कुडले बीच, और कुडले बीच से आप गोकर्णा बीच भी जा सकते हैं, लेकिन आप कुडले बीच में एंड कर दीजिए, बिकॉज गोकर्णा बीच पहुँचते पहुँचते आपका एनर्जी पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा। सो जो ट्रैक का रूट मैप है वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप जब भी जाए तो आप वो रूट को फॉलो करके अपने ट्रैक को कम्प्लीट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ही सिंपल और मार्क ट्रैक है, आप लॉस्ट होने का चांसेस नहीं है, बिकॉज कहीं ना कोई मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि आप ग्रुप में ही जाए, बिकॉज लोनली जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई कि आप ग्रुप में जाइए, ग्रुप में ट्रैवल कीजिए, एटलीस्ट 2 जन तो साथ में हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रैक और पहुँचते हैं बेल्कन बीच, जहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे।
बेलकन बीच से हमारा ट्रैकिंग शुरू हो चुका है। अभी हम यहाँ से जाएंगे पैराडाइज बीच, जो पहला आएगा, एंड देन आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे आपको भी बताते रहेंगे। बैकग्राउंड में आपने तदरी लाइट हाउस देखा। अभी हम जा रहे हैं पैराडाइज बीच, आई गेस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये फुल ऑन ट्रैकिंग रूट है। गर्मी बहुत है, दोपहर के 11:30 बजे हैं, तो नो डाउट गर्मी तो होगा ही, बट एनी विच वेज कोल्ड ब्रीज बह रहा है बीच बीच में, तो दैट इज़ मेकिंग अ लाइफ अ लिटिल बिट ईजी। अभी तक हम पहुँचे नहीं है पैराडाइज बीच, अब पहुँचने वाले हैं मे बी इन 15-20 मिनट्स। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये इस रूट पे एक ही कैफ़े है। अगर आप यहाँ से आते हो वॉकिंग करके, तो मेक श्योर आपको जो भी रिफ्रेशमेंट लेना है वहाँ पर ले लीजिए, बिकॉज़ उसके बाद आपको जल्दी तो नहीं मिलेगा, डायरेक्टली पैराडाइज बीच में कैफ़े मिलेगा। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं पैराडाइज बीच। ये एक सेक्लूडेड बीच है और मैंने सुना है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, तो यहाँ पर अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो स्पेशल परमिशन और पेमेंट लेना ज़रूरी है। पैराडाइज बीच पैराडाइज की तरह ही है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत कम लोग हैं और बीच का जो सीनरी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। इस
वीडियो में इतना ही। आगे की जर्नी जो है आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें या इसका आगे का पार्ट अपलोड करें, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए आपके स्क्रीन पर। तो जब तक हम सब फिर मिलेंगे, तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मे द मिलियन डॉलर स्माइल ऑलवेज बी विद यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।